बारह घूमने आना है, माफे को लेकर नहीं आना, माफे नहीं आएगा, आएगा माफिया, माफे तो मना कर रहा है, माफे नहीं आ रहा, हाँ मना कर रहा है माफिया तो, नहीं आएगा माफिया, ठीक है मैं आ रहा हूँ फिर, आ रहा हूँ फिर, तू भी आएगा, तू भी आएगा, क्या करेगा जाके, तू कभी होल्ड रख, कुछ कह रहा है, हाँ बोल, तू भी जाएगा, हाँ, बोलता क्यों नहीं, अरे कुछ बोल ये मुझे सुनूंगा, हेलो, हाँ, नहीं आ रहा, मना कर रहा माफिया, मना कर रहा है, मैं आ रहा हूँ, तू कहाँ आ रहा है, तू कहाँ आ रहा है, तुझे कोई बुला रहा है, तुझे कोई बुला रहा है, मुझे बुलाया उसने, अब मैं बाहर घूमी घूमी करने आ रहा हूँ, और तू यही रहेगा, ठीक है, जैसे कल मैं उठूंगा ना, तो आएगा मुझसे पहले, मैं ठीक है जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तू कहाँ जाएगा, ठीक है, तू नहीं जाएगा, तू नहीं, नहीं रुकेगा, इसके, तू भी जाएगा, चल, मजा अकेले छोड़ता है, मतलब बात समझता है, मुझे हिंदी आती है भाई, सच्ची में हिंदी आती है, एक मिनट मुझे कुछ बात करो, दोस्त बात करो ना, ये सारी बात समझ में मेरी, हाँ बैठ जा, अभी नहीं, पहले बैठ जा, हाँ अभी चुनेंगे, बस सब बात समझता है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माफिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसे गाइस आज हमारे साथ होने वाली वैष्णवी, और आज आपको दिखाऊंगा पिटबुल कितना ज्यादा सेफ है छोटे बच्चे के लिए, खास तौर पर भाई पिटबुल के लिए डेंजर है, छोटी सी भाई वैष्णवी, मतलब पिटबुल का भाई है वैस, छोटी सी वैष्णवी भाई पड़ जाती है, और फिलहाल तो भी मेरे को ही देख रही है, हाँ क्या है माफिया को देख रही पीछे का है माफिया, और माफिया को पीछे से देख रहा है वैष्णवी को, तो चले गाइस स्वागत करते हैं आज की इस न्यू वीडियो का। गाइज मैं सोच रहा था कि छुपकर शूटिंग करेंगे वैष्णवी और माफिया की, परंतु यहाँ सुबह से बारिश हो रही जिस कारण तो नीचे शूटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी और थोड़ी सी ऑडियो मतलब तो थोड़ी बहुत नॉइज़ भी आएगी, तो प्लीज़ यार थोड़ा कोऑपरेट करना, और हाँ गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, क्योंकि लाइक से काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिव मतलब थिंक आती है, बात तो सही है। अरे भाई देखो पूरा यहाँ तक का जूम है, इसका कैमरा का कमाल ही कुछ अलग है, काम तक जूम कर दिया, काफ़ी दूर बन रहे हैं ये देखो ले माफिया भी आ गया, क्या है माफिया, चलिए चल भीग जाएगा ऊपर, चलो नहीं चलो, आ जा आ जा, आओ हाँ चलो नहीं चलो, हैंड चेक करो, सेकंड करो, नहीं सेकंड सेकंड करो, गुड बॉय, दोबारा सेकंड करो, गुड बॉय, बस तुम दाली से भी सेकंड कर लेते हो, हैं क्यों गलत कर रही है, उसको लगती है उसको भाई, चलो तो मास्क लगाना पड़ेगा, ओए क्यों चाट रहा है इसे, क्यों चाट रहा है, और ये पूरी तरह से पूरी तरह से गाल दबा देते हैं माफिया के, जिससे कि माफिया का दर्द होता है, और इससे दूर भगता है माफिया इससे, हाँ चाटी चाटी नहीं करनी, गंदी बात है, हाँ क्या कर रही हो तुम, खेल रही हो माफिया के साथ में, खेल रही हो, हाँ आग भी लग जाएगी उसकी, लग जाएगी भाई लग जाएगी, बैठ गया माफिया, ये देखो ये ज़्यादा खेलते ही नहीं, क्योंकि भाई हर बार ये भारी पड़ जाती है इसके ऊपर, इसके कभी नाक दबा देगी किसके, कभी काम पर लग जाएगी इसके, आराम से खेल दो माफिया के साथ में। A few hours later. क्या बात है? अब खुश हो गई? अब जाके चुपोइए। अब तो अलेक्सा गाना सुना रही तेरे को? हाँ। कोई कोऑपरेट ना आ जाए, ज्यादा सुनाने में गा रहा है। अब तो अब भी खुश नहीं यार ये। अच्छा नीचे चल ले मम्मी को पास लेकर। ये थक गई है काफी ज्यादा। A few moments later. माफिया को ऐसा लग रहा कि वैष्णवी उसकी वजह से नाराज हुई है, उसकी वजह से रो रही है, और ऊपर से देख रहा है, अबे भीग जाएगा, चले जाए कमरे में जा माफिया, बाबूजी कमरे में जा, भीग जाएगा, बारिश हो रही है, देखो बारिश का पानी टपक टपक गिर रहा, पर तो नहीं नीचे देख रहा है भाई जा, अरे यार सुनेगा अभी तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाकर समझाना पड़ेगा इसे माफिया को। गाइस जैसे कि वैष्णवी को नीचे छोड़ा उसकी मम्मी के पास, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी, और सुबह से वो चिड़चिड़ीपन मतलब चिड़चिड़े मूड में थी आज, तो माफिया को लग रहा था कि उसकी वजह से वो वैष्णवी गुस्सा हुई है, नाराज हुई है, और इसलिए जाल में बैठ गया था कि मेरे को गलती तो नहीं कर दी जिससे वो नाराज हो गई हो। माफिया काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और सच्ची में माफिया बचपन से अब तक भाई बहुत ज़्यादा उसके संग अच्छा व्यवहार मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने उसका ध्यान रखा है, जैसे कोई भी डाल को टच करता ना वो काफी ज्यादा वो जल्दी एग्रेसिव होता है, चढ़ जाएगा ये गेट देगा तेरे को, कर दो पिटाई,
ऐसे कर दो पिटाई। तो बढ़ रहा है और तो बिल्कुल ही ला आ जा आ जा चल आ जा मिले फिर मिले आ जा इधर से मिले सिट पहले बैठो। गाइस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ कि पिटून काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बन सकता है अगर आप अच्छे से डाइट करो, क्योंकि देखो एक छोटी सी बच्ची के लिए भी वो कितना ज़्यादा ध्यान रखना कि उसके वजह से कोई गलती ना हो जाए और उससे कोई मतलब उससे कोई चोट ना पहुँचे। कहते कि वहाँ पे उससे कपड़े भी नहीं पकड़ता, वो मैं आपको दिखा दूँगा, उसके उससे कपड़े भी नहीं पकड़ता मुँह से। ये देखो उसे पकड़ने बहुत दूर की बात है माफिया। ये देखो गाइस मेरे पे दो कपड़े, एक तो वैष्णवी का और एक नॉर्मल सा कपड़ा है। देखो जैसे इसमें माफिया को दूंगा ना, देखो इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, ये देखो भागेगा इससे, ये देखो मतलब इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कितनी भी, ले माफिया छोड़ो ये तो कपड़ा भी नहीं पकड़ता मुँह से। हाँ ये देखो अपना कपड़ा ना, देखो इसमें खेलना शुरू कर देगा माफिया, पकड़ो कैच कर ले, इसने तुरंत पकड़ ले देखो ये कपड़ा है। और इसके जगह वैष्णवी का कपड़ा था बिल्कुल नहीं पकड़ता उसे, लीव। जैसे कि आपको पता ही होगा जब मैंने वैष्णवी को पहली बार मिलाया था माफिया से, तो मैं भी थोड़ा बहुत वो तो था, थोड़ा कन्फ्यूजन में था कि माफिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या माफिया का रिएक्शन रहेगा। जब मैंने माफिया को वैष्णवी से मिलाया तो माफिया काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, हैप्पी हुआ। फिर मैंने माफिया को और करीबी से उससे वैष्णवी को वैष्णवी से थोड़ी मिलाया, फिर देखो माफिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था उस टाइम पर, क्योंकि उसे लग रहा था घर में कोई नया मेहमान आया है। ये देखो मम्मी थोड़ी देर लेट रही थी आराम करने के लिए, और ये बाबूजी आके लेट गए मम्मी की जगह। ओ भाई हटो यहाँ से, झपटे का थोड़ा ना देख रहा है। ओए माफिया तेरा बिस्तर है ये जो तू आके लेट गया इस जगह, भाई मम्मी को थोड़ा बहुत आराम करने कर, ये बिल्कुल भी आराम नहीं करता भाई, मम्मी को दिन में भी आराम नहीं करने देता है, पता नहीं अपने बिस्तर समझता है। सही से बांध नीचे तो हमेशा मैं बांध कर रखता हूँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा मस्ती खोल है भाई ये, देखो तुम्हारे बिस्तर पर आके लेट गया देखो ये। आज भाई सुबह से बारिश पड़ी है, देखो पूरी की पूरी रोड गीली पड़ी है, वो गीली क्या वो गीली होगी जब बारिश पड़ेगी तो यार मैं भी क्या क्या बातें कर रहा हूँ। और आज भी इसे चैन नहीं, इतनी कीचड़ काचड़ हो रही है, कैसे बड़ी मुश्किल से इसे लेके आया हूँ इस मोटू को और यहाँ पे आके इसकी वॉक करा रहा हूँ। सच्ची में एक दिन घर में रुक जाए ना ये तो भूकाल मचा देता है अपने घर के अंदर, ये तो भाई डेली का वॉक चाहिए, मतलब दिन में घूमना है ऐसे एक दिन तो। एक बात सुन जी यार, मेरी भी जबान काफ़ी ज़्यादा फिसल रही है बोलते समय, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका है बाहर की तरफ। ये देखो चल अब सीधा घर चल, नहीं कीचड़ काचड़ में खुद तो घूम रहा है, मुझे भी सब में घुमा रहा है, अब घर चल सीधा, अरे क्या सूंघता रहेगा चल, हाँ घूम लेना मोटू मटामोट चल। अबे थिल्ली विचर में कहाँ जाएगा अब, वहाँ की भी सेयर करेगा करते। सो गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा एंड बाय बाय। गाइस वीडियो को प्लीज़ जरूर लाइक करना, चलो जो सब्सक्राइब जरूर करना, तो पूरी रोड कीचड़ को दिया अब से गली में से ले आऊँगा माफिया को, रोड से नहीं।